नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस जीरो विल बी इक्वल टू ऑप्शन हैं जीरो जीरो वैक्टर बी या फिर यूनिट वैक्टर नाउ इंटरेस्टिंग सवाल है बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ चेक हो रही हैं कि हमें वैक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता है क्या हमें पूछा गया है ए क्रॉस जीरो वैक्टर ना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ये जीरो ज़ीरो ना होके अगर ये स्केलर होता तो हम इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते थे बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए दोनों चीज़ें वेक्टर होनी चाहिए सो so, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर पा रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपका वेक्टर uh, आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी अ ज़ीरो वैक्टर इट सो जीरो विल शुड हैव बीन अ वेक्टर या जीरो आपका वेक्टर होएगा स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकती थी तो so, दोनों जो वेक्टर लिए उसको तो बहुत छोटी सी बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ हो रही है वि सेज के किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वैक्टर क्वांटिटी ही आएगी और ये करने के लिए दोनों वैक्टर होने चाहिए और इनका रिजल्टेंट विल बी अ वैक्टर क्वांटिटी इस केस में इट विल बी अ जीरो वैक्टर हालाइट सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी जीरो वैक्टर विल बी द राइट आंसर